एक आदमी ने बनाया मंदिर, बड़ा आलीशान मंदिर बनाया, लेकिन भाई कोई विपत्ति आ जाए, मंदिर की कोई व्यवस्था ना हो तो संपत्ति तो होनी चाहिए। तो उस दिनों संपत्ति कहां रखी जाए, तो जमीन में गाड़ते थे, तो भूमि में संपत्ति गाड़ दी गई, लेकिन आगे आने वालों को पता भी तो रहे, तो मंदिर में ही शिलापट्ट लिखकर लगा दिया गया। उसमें लिखा गया कि दीपावली के दोपहर को दिन में 12 बजे इस मंदिर के शिखर में 25,000 स्वर्ण मुद्राएं रखी गई। सभी लोग पढ़ते थे, सब देखते थे, हैं शिखर में है लिखा है, है। भगवान की लीला बड़ी विचित्र, मंदिर बनाने वाले चले गए, वो शिलालेख लिखने वाले चले गए, जिन्होंने धन गाड़ा था वे चले गए, परिवार में गरीबी आ गई। अब गरीबी आ गई तो सारी संपत्ति बिकने लगी, तो भी निर्धनता ने पीछा नहीं छोड़ा, कहा कि इस मंदिर में मोहरे हैं, वो स्वर्ण मुद्राएं हैं 25,00,000 निकाली जाए, 25,000 स्वर्ण मुद्राएं बहुत हैं, उन दिनों बहुत होते थे। अरे भैया, तो मंदिर तोड़ना पड़ेगा शिखर में, कितनी बदनामी होगी, मंदिर इसलिए थोड़ी बनवाया जाता कि तोड़े। अरे बदनामी तो ठीक है, जीवन बचा रहेगा फिर मंदिर बनवा लेंगे, मरता क्या ना करता। उन विचारों ने मंदिर तोड़ दिया, शिखर तोड़ा, एक एक ईंट निकाली, एक भी स्वर्ण मुद्रा नहीं मिली, मंदिर में की दीवार तोड़ डाली, नींव खोद डाली, चबूतरा सब मिला ही नहीं कुछ। अब तो बहुत दुखी कि बदनामी की बदनामी हुई और मिला भी कुछ नहीं। लेकिन ये कैसे लोग थे जो लिख कर गए कि इसमें है, अगर इसमें था तो मिला क्यों नहीं, और नहीं था तो लिखा क्यों था। देखो बस, अब समस्या यह हुई कि क्या करें। एक महात्मा आए, अरे अरे वो तो हमारे मित्र थे और तुम लोगों ने ये क्या किया, मंदिर तो महाराज ऐसी ऐसी गरीबी, और वो लिख गए और जो लिखा था वो निकला नहीं, और था नहीं तो लिखा क्यों था। महात्मा मुस्कुराए, बोले नहीं मंदिर में है, हैं स्वर्ण मुद्राएं, 25,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं और शिखर में ही है। महाराज तो हमें नहीं मिली, तुम्हें नहीं मिली, हमें मिलेंगी, एक काम करो, अब कैसे मिलेंगे, अब तो शिखर गायब है। महात्मा बोले मंदिर बनवाओ। अरे महाराज हमारे पास तो खाने को भी कुछ नहीं, मंदिर क्या बनवाए। महात्मा बोले कि हम तुम्हारा सहयोग करेंगे सबसे। महात्मा ने अपने भक्तों से कहा, प्रचार प्रसार किया, अपनी ओर से भी पैसा वैसा इकट्ठा हुआ, मंदिर बन गया। इन परिवार वालों के पास, विचारों के पास जो कुछ था वह भी लगाया, मंदिर बन गया। अब कहा कि महाराज वो स्वर्ण मुद्राएं, महात्मा बोले मिलेंगी पर दिवाली के दिन ही मिलेंगी। चले गए महात्मा। हम लोगों ने कहा वो तो महात्माओं का काम है मंदिर बनवाना, तो बनवा लिया उन्होंने, काहे को स्वर्ण मुद्राएं मिलनी है, तुम काहे को इनकी बातों में लगे हो। पर उन्होंने कहा नहीं, सदगुरु वैद्य वचन विश्वास रखा है तो प्रतीक्षा करते रहे। दीपावली के एक दिन पहले महात्मा आ गए, कहा कल मोहरे मिलेंगी, तैयार रहना, स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगे, फावड़ा ले चलना, टोकनी ले चलना। गए, अब सारा गांव कहे कि महात्मा को भी क्या हुआ। और वो लोग ये कह रहे थे कि लिखा हुआ है तो मिला क्यों नहीं, और नहीं मिला तो लिखा क्यों है। लिखने वाले झूठे हैं या धन रखने वाले झूठे हैं। महात्मा ने कहा ये सब बात हम कुछ नहीं करते, तुम तो दिवाली आने थे, आ गई महाराज, कल दिवाली है, चलो दोपहर को गांव भर इकट्ठा हुआ तमाशा देखने। लोग 9-10 बजे से ही पहुंच गए। महात्मा बोले 12 बजे के पहले मिले ही नहीं सकती। ठीक है, लोग बैठे रहे, जैसे ही 12 बजा महात्मा बोले हां तैयार हो जाओ, और टोकनी लेकर आया, फावड़ा लेकर आया। और महात्मा ने ऐसे देखकर इधर उधर का कहा इधर आओ। सूर्य की रोशनी पड़ रही थी शिखर पर,
और सूर्य की रोशनी से शिखर की गुंबद की जहां छाया पड़ रही थी जमीन में, बोले खोदो यहां मिलेगा। और जब खोद कर देखा तो स्वर्ण मुद्राएं मिल गई। अरे महाराज ये तो अब समझ में आया, पर लिखा तो वहां था और मिला यहां है। महात्मा बोले बस ये ग्रंथों में भी ऐसे ही लिखा है, लिखा वहां होता है मिलता यहां है। लेकिन उस लिखे हुए को समझने के लिए सद्गुरु की जरूरत है, ये ऐसे ही ग्रंथ नहीं समझ में आते। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, जो उसको समझ सके। क्योंकि अगर ऐसे ही सीधे सीधे ढंग से लिखा था ऐसे ही मिल जाता तो चाहे कोई मंदिर तोड़ के निकाल लेता, तो चाहे कोई इसका दुरुपयोग न करे और अधिकारी इससे वंचित न रहे, इस तरह हमारे ग्रंथों का सृजन है। लेकिन हम लोग उस आदमी की तरह हैं जो स्वर्ण मुद्रा ढूंढने के लिए शिखर ही तोड़ देते हैं, पर शिखर तोड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा हम लोग बड़ी जल्दी फैसला करते हैं, कुछ न पूछो, गीता में कुछ नहीं, रामायण में कुछ नहीं, वेदों में तो कुछ है ही, पुराणों में तो पागलों का प्रलाप है, रामायण में कुछ है ही। एक आदमी तो हमसे कह रहा था, गांव की घटना है, कहता आप रामायण कहते हो? हमने कहा महात्माओं से गुरुजनों से जो सुना सो कहते। बोले रामायण में है क्या? एक राम रहे एक रावणना, एक क्षत्रिय एक बामनना, बिन्ने बिन की नारी हरी तो बिन्ने बिन की नाश करी, तनक बात की बातन्ना तुलसी लिख दे पोतन्ना। वो कहता था इसमें कुछ है ही नहीं, वो कहता रामायण में कुछ नहीं, गीता में कुछ नहीं, भागवत में तो कुछ है ही नहीं। अच्छा इसीलिए आपको आजकल भी लोग मिलते हैं, आप किसी से कहते हो कि भागवत क्या है, भागवत तो कहां कहते, बेकार तुम भी चक्कर में पड़ गए। आज की बड़ी समस्या है, आज के युग में जो अपने को पढ़ा लिखा समझते हैं वो सब भक्तों को ना समझे ही समझते हैं। क्या है इसमें, कुछ नहीं, टाइम बर्बाद करना है। तो दूसरा क्या कहता, नहीं नहीं टाइम बर्बाद नहीं, टाइम पास है। आजकल के लोग कथा कीर्तन सत्संग को टाइम पास समझते हैं। अरे भाई ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ ना हो। हां कुछ नहीं, हमने तो पढ़कर देखा। अरे पढ़ा तो है, गीता तुमने पढ़ी है? हां तो गुरुजी से पढ़ी है, उसमें गुरुजी की क्या जरूरत। हमने कहा इसीलिए तो समझ में नहीं आई, इसीलिए समझ में नहीं आई, इसीलिए ग्रंथ अपना मर्म गुरु के द्वारा देते।